बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मिर्च मसाला बाता बंदा। बहुत दिनों से कोई रेसिपी मैंने अपलोड नहीं कर पाई थी। इसकी रीज़न ये है कि कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ रमज़ान की इतनी मसरूफियत थी कि रेगुलरली कोई भी रेसिपी अपलोड ना हो पाई। अब इंशाल्लाह ताला मैं वीक में दो रेसिपीज़ आपको बनाना बताऊँगी, एक मंडे को और एक थर्सडे को। आज जो डिश मैं आपको बनाना बता रही हूँ वो है ब्रेड पुडिंग। बहुत सारी रेसिपीज़ आपने नेट पे देखी होंगी ब्रेड पुडिंग की, तो इसमें क्या डिफरेंट है? ये वाली ब्रेड पुडिंग जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये नमकीन है। आप इसको एज अ सैंडविचेस, जब आपका मूड हो सैंडविचेस बनाने का तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको डिफरेंट भी लगेगी, देखने में ये बहुत ही लाविश किस्म की डिश लगती है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगी। बहुत सारी तारीफ़ें आप इसको बना के समेट सकते हैं। तो हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए वो हैं ब्रेड, 8 स्लाइसेस हैं जिनके एजेस हमने रिमूव कर लिए हैं, एग्स 4 चाहिए हमें, 150 ग्राम्स हमें चीज़ चाहिए, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च जिसको हमने जूलियन काट लिया है, चिकन 1 कप चाहिए जो हमने श्रेड कर ली है, मेयोनीज जितनी हमें ज़रूरत होगी मैं आपको भी बताती हूँ जब मैं उसको चिकन में मिक्स करूँगी तो हमें कितनी मेयोनीज की ज़रूरत होगी, मिल्क हमें चाहिए 2 कप्स, नमक और काली मिर्च हमें चाहिए, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और पार्सले हमें चाहिए। नमक काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। तो अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम मेयोनीज डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा लिक्विडी हमें नहीं करना है और इसके अंदर जो हम मैंने आपको चिकन बताया है वो हम मिक्स करेंगे। ये चिकन में हमने मेयोनीज को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे काले मिर्च जितनी आप डालना चाहें और सॉल्ट आप ज़रा ध्यान से डालिएगा क्योंकि अक्सर हम चिकन बॉईल करने में भी सॉल्ट यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा इस वक्त। और हम इस सब को मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्सचर जो जिस तरह से हम चिकन सैंडविचेस बनाते हैं ब्रेड के, हम ये इसी तरह बना लेंगे, यानी ब्रेड का स्लाइस देंगे हम और इसके ऊपर ये अच्छी तरह मेयोनीज लगा के और सैंडविचेस हम तैयार कर लेंगे। ये सारे ब्रेड स्लाइसेस पे हमने मेयोनीज और चिकन जो था वो हमने लगा लिया है। अब आप एक पायरेक्स की डिश लेंगे जो ओवन में जा सकती हो या ऐसी डिश लेंगे जो आप डबल बॉयलर में भी बना सकते हैं। नीचे आप एक बड़ा पतीला लेंगे, उसमें बॉईल करने के लिए पानी रख देंगे और ऊपर कोई छन्नी उल्टी करके रख दीजिए और उसके ऊपर वो डिश आ जाए, तो आपने वो डिश लेनी है। मैं इस वक्त बेक करूँगी तो मैंने पायरेक्स की डिश ले ली है। अब इसके अंदर आपने ये सारे स्लाइसेस सेट कर देंगे। अब आपकी डिश किस तरह की है उसमें किस तरह से स्लाइसेस सेट होंगे आप देख लीजिएगा। मैं इनको बीच में से इस तरह हाफ करके और इनकी जो ये एज वाली साइड है ये ऊपर की तरफ रख रही हूँ और मैं ये इस तरह से सारे सैंडविचेस सेट कर लूँगी। ये इस तरह से तमाम सैंडविचेस मैंने अपने डिश में सेट कर लिए हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने जग के अंदर ये 4 अंडे इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं और अब मैं इसके अंदर डालूंगी दूध। पहले मैं 1.5 कप ही डाल के देखूंगी क्योंकि बस आपकी जो ब्रेड ऐसी होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है और बस ब्रेड कम एब्जॉर्ब करती है, तो आप ये प्लीज़ देख लीजिएगा कि आपकी ब्रेड ज़्यादा सॉकी ना हो जाए। तो जो बेकरी की ब्रेड होती है वो मोस्टली जो है वो कम एब्जॉर्बेंट होती है, इस वजह से आप 1.5 कप ही डालिएगा। ये मैंने एक और ये 1/2 कप और मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। अगर आपकी ब्रेड
ज़रा है इतनी कि वो एब्जॉर्ब कर ले, तो आप 2 कप ही डालिएगा। फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। दो से 3 मिनट के लिए हम इसको ब्लेंड करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी सैंडविचेस में भी नमक डाल चुके हैं। 1/2 टीस्पून इज इनफ। ब्लैक पेपर ये भी आप तकरीबन 1/2 टीस्पून डाल लीजिए। कुटी हुई मिर्चें ये भी 1/2 टीस्पून। अगर आप ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, ना करना चाहें तो इट्स ऑप्शनल। पार्सले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ये इसमें से नहीं निकल रहा, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और हम इसको फिर से ब्लेंड करेंगे फॉर अबाउट 2 मिनट्स। ये मैंने अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लिया है। अंडा और दूध जितनी अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे उतनी ही अच्छी ये फ्लफी हमारी पुडिंग रेडी होगी। अब हम ये जो मिक्सचर है ये इसके ऊपर डाल देंगे, ब्रेड के ऊपर, इस तरह से कि ये सारी ब्रेड इसमें अच्छी तरह सोक हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़रा सा येलो कलर देना चाहें तो आप इसको इसमें फूड कलर डाल दीजिए। अब हम इसको रख देंगे जब तक कि ये ब्रेड सारी ये जो मिक्सचर है ये एब्जॉर्ब ना कर लें। हम अब इसको थोड़ी देर के लिए उठा के रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे जब तक ये सारी एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके बाद का प्रोसीजर मैं फिर आपको बताती हूँ। ये देखें आफ्टर 15 मिनट्स वो सारा मिक्सचर जो है वो सैंडविचेस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इन द मीन वाइल हमें ओवन ऑन कर देना था 180 डिग्रीज पे, जो शायद मैं आपको बताना भूल गई कि मैं ओवन ऑन कर रही हूँ। अब इसका बस लास्ट स्टेप रह गया है, इसके ऊपर हम चीज़ श्रेड करके डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ ही बनाना है और ज़्यादा वो करना है तो आप इसके सैंडविचेस जब बनाएं तो उसके अंदर भी आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है जितना मैं बना रही हूँ। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से चीज़ को जो हमने श्रेड की है, ये काफ़ी मोटी श्रेड हो गई है, अगर बारीक श्रेड होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्मी भी हो रही है तो ज़रा ये स्टिकी स्टिकी हो गई है, आप इस तरह से डाल दीजिए। वैसे भी ये सारी मेल्ट ही होनी है। तमाम सैंडविचेस पे अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दीजिए सब तरफ, ताकि सब तरफ चीज़ का मज़ा बहुत अच्छे से आ जाए। अगर कोई पीसेस जुड़ गए हैं तो इसी तरह से आप कर लीजिए। और अब इसके ऊपर सिर्फ एक चीज़ रह गई है जो है शिमला मिर्च। हम शिमला मिर्च डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दीजिए, ना डालना चाहें वैसे कलर ज़रा अच्छा लगता है। अगर आप ऑलिव्स डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। और मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च कलर के लिए ही ऐड कर रही हूँ, अगर आप ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है आप। लेकिन ये देखिएगा इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन का कलर लास्ट में आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। सैंडविचेस केचप के बगैर अधूरे हैं, तो इसलिए सिर्फ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रिजल कर दूंगी जो कि अच्छा नज़र आए। अब हम इस डिश को ओवन में रख देंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, फिर हम ऊपर का ग्रिल ऑन करेंगे ताकि जो है ऊपर से इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो अब मैं आपको 15 मिनट्स बाद बताती हूँ कि ये कैसी रहेगी। ये देखिए ये नीचे से अच्छी तरह से बेक हो गई है, अब मुझे ऊपर से गोल्डन कलर देना है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है ये। तो अब मैं इसके लिए ग्रिल ऑन कर दूंगी और इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर लेकर आऊँगी। जस्ट अबाउट 4-5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, 2-3 मिनट्स में आ जाएगा ये कलर। तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से नज़र आए। ये देखिए हमारी ब्रेड पुडिंग, चीज़ी ब्रेड पुडिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आप ये प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए, तो आप इसका जो प्रोसीजर ओवन से पहले का प्रोसीजर है वो आप करके रख लीजिए। जैसे ही आपके गेस्ट आएँ तो आप 15 मिनट्स के लिए इसको बेक कीजिए और उनको सर्व कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी ये। ये देखिए कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त हमारी ये डिश नज़र आ रही है।
और इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगी। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसी नज़र आती है। ये देखिए, ये बहुत ही चीज़ी मज़ेदार सी आपको नज़र आ रही है और इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होंगी। डू शेयर एंड लाइक दी वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।